दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ पिछले लंबे समय से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है विश्व में लाखों लोग इस महामारी से मर चुके हैं भारत भी इससे अछूता नहीं है ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि गरीबों को राहत पहुंचाए केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के राहत की घोषणा की वो ऊंट के मुंह में जीरा है और आज तक देश में किसी को उससे एक पैसे का राहत नहीं मिली जब विश्व बाजार में खनिज तेलों के दाम $2 प्रति बैरल हो गए थे उस समय भारत के अंदर पेट्रोल के दाम उल्टे बढ़ रहे थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो $145 के भाव से बैरल था और उस समय ₹70 प्रति लीटर राजस्थान के अंदर देश के अंदर डीजल पेट्रोल मिलता था आज स्थिति यह है कि डीजल के भाव पेट्रोल से ऊपर जा रहे हैं जो भी सामग्री आती है खाद्य सामग्री वो सड़क परिवहन से आती है उसमें डीजल काम में आता है उससे हर खाद्य सामग्री के भाव बढ़ रहे हैं तो आज उनकी इस नीति की निंदा करते हुए हमने नरेंद्र मोदी का अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पुतला जलाया था हम मांग करते हैं कि अगर देश को नहीं चला पा रहे अगर महंगाई को कम नहीं कर पा रहे कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो नरेंद्र मोदी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए प्रताप सिंह यादव उपाध्यक्ष अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आज अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है यह पुतला हमने पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी की वजह से उनके विरोध में जलाया है आज पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल डीजल से आगे निकल गया है मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूँ और विरोध दर्ज कराता हूँ कि आप जनता के ऊपर इस कोरोना महामारी के अंदर जेब के ऊपर बाहर नहा डालें आपसे अगर देश नहीं चल रहा है तो कृपया करके जनता के जेब के ऊपर भार डालना बंद करें सौरभ यादव